एक बहुत प्यारी कहानी है, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जा रहा था, तभी उसके पिताजी ने कहा कि बेटा लौटते समय सेब लेते आना। बेटे ने कहा ठीक है। वह जाते समय एक बूढ़ी दादी सेब रखी थी, वह भी ताजे। उसने सोचा कि मैं अभी ही ले लेता हूँ। दादी से पूछा कि फल कैसे है। दादी बोली कि बेटा 40 रुपए के एक किलो। वह व्यक्ति बोला कि मैं 30 रुपए में लूंगा। दादी ने कहा बेटा 30 के नहीं पड़ते, मुझे घाटा लग जाएगा। वह व्यक्ति वहां से बिना सेब लिए चला गया। जब ऑफिस से लौट रहा था तो रास्ते में एक फलों की बड़ी दुकान थी। वह वहां गया और पूछा कि भाई सेब कैसे हैं? उसने कहा कि 50 रुपए के एक किलो। व्यक्ति बोला कि आगे एक दादी 40 रुपए के दे रही और आप 50 की क्यों? उसने कहा मुझे नहीं पता, यहां फिक्स रेट है, लेना है तो लो वरना नहीं लो। वह व्यक्ति फिर उस दादी के पास गया और दादी से कहा कि दादी आप फलों को सस्ते में क्यों दे रही हो? दादी ने क्या खूब कहा कि मैं सस्ते में नहीं दे रही, आजकल लोग बड़ी बड़ी जगहों से सस्ती चीज को भी महंगे दामों में लेकर आते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन हम अच्छी चीज को भी सस्ते में देते हैं तो उन्हें महंगा लगता है।